हेलो गेमर्स, वेलकम टू गेमिंग फर्स्ट। तो यार आ गया हूँ मैं आपके लिए कार फॉर सेल सिम्युलेटर का एक और नया एपिसोड लेकर। और आज के इस एपिसोड में हम सेल करने वाले हैं बहुत ही मस्त वाली सुपर लग्जरी कार जो कि है ऑडी की R8। उससे पहले देख लो गाइज, मैं यहाँ एक छोटे से कंटेनर में रहता हूँ और यही मेरा जगह है रहने की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अपनी गाड़ी, और गाड़ी अपनी बहुत महंगी है, निसान की GTR। और देख लो इतनी महंगी गाड़ी के बावजूद भी मैं यहाँ रहता हूँ। एक बात तो यार, डाउन टू अर्थ तो मैं बहुत ज्यादा हूं। तो देखो इतनी अच्छी कई लाख डॉलर की गाड़ी लेकर भी मैं कंटेनर के अंदर रहता हूं। और कोई बात नहीं यार, मतलब बंदे को ऐसा होना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। भले ही आपके पास में कितनी गाड़ियां हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, तो आप बैंक बैलेंस की बात मैंने करी दी है तो आप देख सकते हैं 10 मिलियन से भी ज़्यादा मेरे पास में इस टाइम पैसे हैं। और अभी हम जो कार सेल करने वाले हैं वो है भाई ऑडी की R8। 7-8 लाख की मिनिमम बिक जाती है वो गाड़ी। और वो एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, आठ नहीं, पूरी की पूरी 10 गाड़ियां हम सेल करेंगे। और उन 10 गाड़ियों से कितना पैसा आने वाला है वो आप इस वीडियो में ज़रूर से देख लेना। तो उससे पहले, रास्ते में जाने से पहले, मैंने कार मार्केट जो है वो ओपन थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से कोई अच्छी सी गाड़ी खरीद ली जाए। तो यहाँ पर एक गाड़ी मेरे मतलब की दिखाई दी है, पोर्शे। और ये इसने इसका आस्किंग प्राइस जो है वो 1,61,000 रखा है, लेकिन मैं इसको 1,30 का ऑफर दे देता हूँ। हालांकि मुझे और थोड़ा कम करना चाहिए था, हाँ मुझे लगा ही था, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब अपनी गाड़ी जो है वो हमने बाय कर ली है, अब चलते हैं सीधे अपने गैराज पे। ओ भाई क्या ब्रेक लगी है, और मतलब उस बंदे की क्या ब्रेक लगी है, अगर उसकी ब्रेक नहीं लगती ना तो वो तोड़ देता मेरी गाड़ी को और अच्छा खासा डैमेज जो है वो मुझे दे देता। और भाई ये अपना जो है एक एम्प्लॉई है जो कि अच्छे अच्छे काम करने लगा है। अब जितनी भी गाड़ियां यहां शोरूम के अंदर खड़ी होती है ना, उन सबको ये वॉश कर देता है, तो इसलिए अब अपनी गाड़ियां जो है वो ज्यादा गंदी नहीं होती हैं। और ये आप देख सकते हो 2 फरारी कार जो कि बहुत महंगी गाड़ी है। अभी मैं आपको इनका प्राइस चेक कराता हूँ। ये देखो, इसको मैंने 17,68,000 में खरीदा था। बहुत महंगी गाड़ी है, सबसे महंगी गाड़ी इस गेम की मैंने अभी तक ये देखी है। इसके अलावा अगर आपको इससे महंगी गाड़ी और पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और ये वाली मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी थी 20 लाख की। और गाइज, इन वाली कार्स को भी मैं जल्दी ही बेचने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट करना कितने प्राइस में मुझे इन्हें बेचना चाहिए। एक मैंने 17.5 की ली है और एक 20, 20.5 की ली है, ऐसा समझ सकते हो। तो चलिए आप चलते हैं ऊपर। और ऊपर खड़ी हुई है अपनी ऑडी R8। 10 की 10 गाड़ियां मैंने यहाँ पर ये इकट्ठा कर रखी है। तो मैंने सोचा था कि मैं इनको एक साथ बेचूंगा ताकि प्रॉफिट जो है एकदम से दिखाई दे। तो इनमें जो है कुछ गाड़ियां मैंने 4.5 लाख की खरीदी है और कुछ मैंने 3 लाख के आसपास की खरीदी हैं। तो जल्दी से फटाफट से इनको जो है मैं लगा देता हूं सेल के लिए। उसके बाद में कस्टमर्स जब आने शुरू हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम मुझे मिलने वाला है नहीं। तो चलिए यहाँ से जो है इनको सबको, जैसे कि इसको मैंने खरीदा है 4,50,000 का, तो मैं इसको सीधा 21 लाख जो है इसका आस्किंग प्राइस रख देता हूँ, क्योंकि लोग आएंगे बार्गेन करेंगे तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो इसका जो प्राइस है ये बिकनी उतने में ही है, चाहे मैं कितने भी लगा दूं। तो गाड़ियां सब लग चुकी हैं, ओपन कर दिया है अपना शोरूम जो है, और अभी जो कस्टमर है ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, मतलब अंदर आने शुरू हो जाएंगे, अंदर के बाद फिर वो सीधा ऊपर आएंगे, तो वो तो जीने से आ जाते हैं। मैं यहां से चला जाता हूं और देखो पहला कस्टमर जो है वो आ भी गया है। तो चलिए उससे पहले ही मैं ऊपर पहुंच जाता हूं और शुरू करते हैं अपनी कार्स की सेलिंग। तो गाइस डील शुरू करते हैं अपने फर्स्ट कस्टमर से और देखते हैं ये कितने रुपए की इसको लेता है। और इसने लगाए भाई 6 लाख रुपए, तो 6,65,000। तो इससे मैं बार्गेन कर सकता हूँ, तो इससे मैं बार्गेन करके आस्किंग प्राइस जो है उसको कितना, पहले इसके 18 मांग रखे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इससे बोलता हूँ कि भाई तू 7.5 लाख रुपये मुझे इसके दे दे। और भाई दे दे भाई, बस भाई दे दिए इसने मुझे, अच्छी बिक गई अपनी गाड़ी जो है, तो 7.5 की बिक गई है। तो अभी आप अंदाज़ा लगा के बताओ कि ये टोटल 10 गाड़ियां जो हैं ये कितने की बिकने वाली हैं और कितना पैसा मेरे पास टोटल होने वाला है। तो 1,05,00,000 मेरे पास था, एंड में देखेंगे कि कितना हो गया है। तो इससे भी हम थोड़ा बार्गेन करते हैं, और यहाँ पर हमने इसको 8.5 लाख में बेची है। भाई ये सबसे मस्त गाड़ी है ऑडी R8, इसमें सबसे अच्छा पैसा बनता है। और मैं पहले से भी, मैंने पहले कई एपिसोड्स में आपको बताया, अगर आपने नहीं देखे तो आप पीछे वाले एपिसोड देख लेना, सबसे ज्यादा मस्त गाड़ी जो है वो यही है। तो इससे मांगे हमने 9 लाख रुपए, लेकिन इसने भाई 7.34 पे अटकी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से एक ऑफर देता हूँ 8.5 का। तो 8.5 में जहां तक मुझे लग रहा है ये अच्छी बिक रही है गाड़ियां। हाँ भाई 8.5 में हर कोई लेके जा रहा है 8,50,000 में। तो ये ज्यादातर मैं यही वाली प्राइस रेंज जो है ये रखूंगा। तो अगर मेरे पास 10 गाड़ियां हैं
तो कोई कोई कम भी बिकेगी तो मिनिमम से बता रहा हूँ 8 मिलियन तो मैं बना लूंगा, $80 लाख कहीं नहीं गए मेरे। कुछ गाड़ियां गाइस ऐसी होती हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी सी डाउन होती है, ज्यादा चली हुई होती हैं, तो उनको हम 8.5 लाख में नहीं बेच पाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको, इसने हमें 6.74 का जो ऑफर है वो दिया है, 8 में इसने हमें माना नहीं था, तो एक काम करते हैं 7.75 में बात करके देखते हैं कि भाई $7.75 लाख में हम ये दे देंगे, और भाई बिक गई। तो चलो देखो, कुछ गाड़ियों की जो कंडीशन है वो कंडीशन के हिसाब से ही बिकती हैं, जो कम चली हुई गाड़ी होती है वो थोड़ी ज़्यादा पैसे दे जाती हैं। जैसे कि एक कस्टमर है, इसने 7.5 लगा दिए हैं, 7.31, तो इसके बाद में मैं इससे मांगूंगा 8.5 लाख, तो ये इतने दे देगा, इतना बार्गेन चलता है, इतना तो एक्सपीरियंस मुझे हो गया है इसमें। और देखो भाई बिक गई। तो भाई अभी अपने पास में 4-5 गाड़ियां और बची हैं, तो अभी लास्ट, भाई देखो रात भी हो चुकी है तो मुझे पूरा दिन लग गया है इनको, इसको सेटअप करने में। तो कोई बात नहीं, जितनी आज बिकेंगी ठीक है, नहीं तो बाकियों को कल बेचेंगे। और यहाँ पर फिर इससे हम 8.75 मांग लेते हैं और इसको देखेंगे ये बिकेगी उतने की या नहीं। तो भाई ये इतने में नहीं ले रही है, तो क्या करें, इसको फिर से एक ऑफ़र दें या फिर मना कर दें? तो एक काम करते हैं, फाइनल 8.5 का ऑफ़र देते हैं, अगर इतने में ये लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम घर चले जाएंगे। और भाई चली गई, तो 8.5 की जो है अपनी ऑडी R8 चली जाती है, तो आप ये सोच के चलना आपको 4 में मिल रही है, 4.5 में मिल रही है, कितने में भी मिल रही है तो ठीक ही रहेगा। तो भाई अगला दिन हो चुका है और हम आ चुके हैं अब वापस से, और फिर से अपनी जो बची हुई कार है उनको सेल करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 1.5 करोड़ रुपए इस टाइम मेरे पास हैं। तो भाई ये वैसे डॉलर हैं गेम के अंदर तो, लेकिन मैं, हम अपनी भाषा में भाई देखो रुपये बोलेंगे, क्योंकि हम तो इंडियन है तो हमें तो रुपया ही समझ में आता है। तो इसलिए आप समझ जाना कि जब भी मैं अगर गेम के अंदर रुपयों की बात कर रहा हूँ तो मान लो वो डॉलर ही है। तो यहाँ पर अब अपनी ये वाली कार जो है ये बची हुई है, और 3 गाड़ियाँ जो है अपनी इधर खड़ी हुई हैं, तो टोटल 4 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अब इन 4 गाड़ियों से हम कितना कमा पाएंगे या फिर अपने 8 मिलियन जो है वो कंप्लीट होंगे या नहीं देखते हैं। तो ये वाली जो है इसने मुझे 6.95 का ऑफ़र दिया है, लेकिन मेरे को इसको ऑफ़र देने का है 8.25, तो इतने में ये ले लेनी चाहिए, नहीं लिया भाई नहीं लिया। तो एक काम करते हैं, इसको खाली 8 का बोल के देखते हैं। तो भाई 8 लाख में तो इसको ले ही लेना चाहिए था, हाँ भाई ले लिया। तो चलो 8 में भी जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ ना बहुत कम ऐसी भी हैं जिनको मैंने 4 लाख से भी कम में ख़रीदा हुआ है। तो डबल पैसे, 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट एक कार पे भाई बहुत है, बहुत तगड़ा है। तो चलो यहाँ पे जो है अपनी इसको हम ऑफ़र देते हैं 8,20,000 का, और ये शायद इसने रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर इसको भी मुझे 8 लाख ही देना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, 8-8 में भी बिकेंगी तब भी अपने पास में बहुत सारा पैसा आने वाला है। और जब ये वाली कारें सारी बिक जाएंगी, फिर भाई अगले एपिसोड में एक बहुत तगड़े लेवल का अपना जो ये शोरूम है ना उसको बिल्ड करने वाला हूँ मैं, बहुत अच्छा स्टाइलिश सा बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी प्लान सा हो रखा है ऐसे मतलब चकोर सा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से बिल्ड करूँगा और बढ़िया सा डिज़ाइन को देखता हूँ, सोचता हूँ, अपना एक ड्राइंग बनाता हूँ बैठ कर आराम से पेंसिल वेंसिल लेके, और उसके बाद में जो है अच्छे से डिज़ाइन करके बनाएंगे। तो भाई वो वाले एपिसोड ज़रूर से देख लेना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला एपिसोड आपको फटाक से मिल जाए। तो गाइज़ ये वाली कार भी अपनी बिकने वाली है, तो 8.5 का ऑफ़र दिया है भाई, इतने में तो बिकी गई। तो भाई अभी अपने पास में बची है लास्ट, तो ये वाली कार को बेच के एकदम से फाइनल करते हैं ख़त्म, उसके बाद में फिर कोई R8 अपने पास में नहीं है, आगे हाँ हम और ख़रीदेंगे। तो अभी अपना जो शोरूम है वो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है ताकि उसके अंदर स्पेस जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, कार्स आप भर भर के खड़ी कर सकते हो, लेकिन भाई थोड़ा सा लुक नहीं आता है कुछ भी ऐसी, मतलब सब कुछ खाली खाली सा लगता है। तो इसमें ना कुछ पार्टीशन वगैरह देंगे, थोड़ा सा बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें चेंज करके अपना थोड़ा मज़ा लेने वाले हैं। और बाकी बची अपनी ये 2 कार जो हैं ये भी मैं उसी वाले एपिसोड्स में बेच दूंगा। आप मुझे इस वाले एपिसोड्स के कमेंट में बताना ज़रूर से मैं कितने रुपये की मुझे ये बेचनी चाहिए, क्योंकि एक मैंने 17.5 की लिया है, एक मैंने 20.5 की लिया है, तो इनके ऊपर कितना प्रॉफिट मुझे कमाना चाहिए ये आप मुझे बताना। तो चलिए गाइज इस वाले एपिसोड्स को तो यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।